कैसे हैं आप लोग? इस छुट्टी को यूटिलाइज करने के लिए हम आपके साथ हैं, और उसी के लिए लास्ट क्लास में एक इंट्रोडक्शन आपको दिया गया था, एक इन्फॉर्मेशन था, नोटिस था, तो उसी में कुछ रेक्टिफिकेशन है प्लस कुछ हम ऐड भी उसमें कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे। आपके काम को थोड़ा और ईजी किया जा रहा है, ठीक है? देखिए, इसके बारे में एक जानकारी आपको दिया गया था, कैरियर एडुकेशन ऐप। ये हम लोगों के इंस्टीट्यूशन का अपना ऐप है जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और इस पर हम लोग कल से पहला क्लास भी करेंगे। इसी सिस्टम से जुड़ने के लिए आप सारे छात्रों को जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह जाता है उसको इससे हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है? तो कल के वीडियो में कुछ बात बोला गया था, उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने से आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है? उसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं, ये पहला कंडीशन है, डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड कहाँ से किए होंगे? तो आप प्ले स्टोर से कर लिए। ये डाउनलोड करने के बाद में जो है ना, आप जैसे इसको ओपन करते हैं, तो डाउनलोड किए, ऐप ओपन किए, तो ओपन करने पर आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा, ठीक है? क्या दिखेगा? तो इस सिस्टम से जो है ना, कुछ आपको यहाँ पर ऐसे करके दिखता जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है फाउंडेशन बैच, ठीक है? ये एक लिखा हुआ है फॉर एनीवन, यहाँ से फिर फाउंडेशन बैच फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, और यहाँ पे फाउंडेशन बैच फॉर न्यू स्टूडेंट्स। तो अब ये काम आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिस्टम क्या है कि जैसे इसको जब आप देखेंगे ऐसे, सपोज आपको जो है ना, यहाँ जा क्लासेस के ओल्ड स्टूडेंट हैं और आपको इसके बारे में आइडिया लेना है कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है? तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके नीचे में जो है ना, आपको यहाँ पर इसका सारा सिस्टम दिखेगा कि ये क्या है। तो उसमें जो भी बात लिखा हुआ रहेगा वो सारा मिल जाएगा, जो फैसिलिटीज आपको मिलेगा वो इसमें लिखा रहता है कि आपको इस कोर्स को ऑप्ट करने पर, बाय करने पर 1 ईयर का वैलिडिटी मिलेगा, मीनिंग आप पूरे 1 साल तक जो है इस ऐप के जरिए झा क्लासेस से जुड़े हुए रहेंगे, और 1 साल में जितना भी क्लासेस चलता रहेगा पूरे फुल सिलेबस है फाउंडेशन बैच का, तो वो सारा आप इसमें काम कर पाएंगे, ठीक है? उसी प्रकार से इसके लिए फिर फी दिया रहेगा, जैसे इसमें आपको 500 दिखेगा, ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर यहाँ भी 1 ईयर का वैलिडिटी होगा। उसके बाद में इसमें आपको जो है 1100 ऐसा आपको फी, जो हम कल चर्चा भी किए थे, ठीक है? तो इसके लिए एक ऑप्शन आपको दिया गया था कल के वीडियो में, जो भी बात बोले थे कि आप जो है हमारे बैंक अकाउंट उसका भी डिटेल्स दिया गया था, उसमें पे कर दीजिए ऐसा। तो अब वो आप नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं, आपका काम बिल्कुल आसान होगा। तो इसी में जैसे आपको सपोज ये कोर्स करना है, आपको लगा कि 1 ईयर का ये है, एक वीडियो इंट्रोडक्शन के रूप में फ्री दिया रहता है, जो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या बोलना चाह रहा है, उसमें वो आपको सब में वो दिया रहता है, ठीक है? इस हिसाब से यहाँ पर आप जैसे इसको ऑप्ट करेंगे तो 500 रुपीस प्लस में थोड़ा बहुत 10-12 रुपया ऐसे करके कुछ इसका टैक्स बन जाता है, वो ऐप का टैक्स हो जाता है। तो ये जोड़ करके जो है ना कुछ ऐसा इस प्रकार से, तो ये आपको जो है ना पे करना पड़ेगा। अब जब ये पे का ऑप्शन में आप लिखेंगे कि बाय, वहाँ लिखा रहता है बाय, तो जैसे उसको आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर इतना रुपया आप जैसे देंगे तो ये आपको जो है वहाँ आप क्लिक जैसे करेंगे तो वहाँ डिमांड करेगा आपसे कि आप किस मीडिया से पे करना चाहते हैं, है ना? UPI के थ्रू, फोन पे के थ्रू, जैसे पे फोन आता है उसके, गूगल पे से, तो जिस तरह डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, आपको जितना भी मीन्स होता है ना, जिससे भी आप पे करना चाहते हैं वो सारा ऑप्शन उसमें दिखेगा, और आप जिससे पे करना चाहेंगे तो उसको क्लिक कर देंगे, इतना पैसा जमा कर देंगे तो आपको 1 ईयर का पूरा वैलिडिटी मिल जाएगा। मीनिंग है उस पर जितना भी PDF होगा, जितना भी क्लासेस चलेगा, वीडियो, वो सारा चीज़ आप देखेंगे। ये सारा सिस्टम हो गया इसका। उसी प्रकार इसमें भी वही सिस्टम है, तो जो कोर्स आपको करना है ना उस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ते जाइएगा, और बाय नाउ ऐसा जब आएगा तो उसको आप पेमेंट पर क्लिक कर देंगे तो पेमेंट हो जाएगा। इसलिए जितने भी छात्र अभी सुन रहे हैं और पेमेंट करने में कहीं दिक्कत आ रहा था, तो आप जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये अलग से अकाउंट लेकर के उस पर नहीं जाना है, आप इसी से कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है? और इसी को प्रीफर करेंगे ताकि इसके बाद जो है ना आपको कुछ भी भेजना भी नहीं है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अपने आप आपका रिकॉर्ड आ जाएगा कि किस मोबाइल नंबर के थ्रू आप जो है पे किए हैं, वो छात्र यहां पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे खुद। इसलिए इसके लिए आपको भी बहुत झंझट नहीं है। रहा सवाल पुराना छात्र नया छात्र, जैसे ये बोलना झा क्लासेस के पुराने छात्र ये बोलना कि नया छात्र ऐसा, तो इसमें कुछ फर्क है? तो इसमें कुछ ऐसा संजोग बनता है कि आप नया है फिर भी बोल दिए पुराना, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप क्लास कर लीजिए, लेकिन बाद में जो है ना प्रॉब्लम हो सकता है जब हम फिर चेक करेंगे लॉकडाउन टूटने के बाद में या ऑफिस में
लेजर के थ्रू ऐसा, इसलिए उससे भी नहीं घबराना है। और आप क्लास करना चाहते हैं आप आराम से क्लास करिए। ध्यान यही देना है कि आपको जो ऑप्ट करना है उस कोर्स को ऑप्ट करके बाय कर लेंगे, ठीक है। तो बाय करने के बाद में किसी एक्स्ट्रा बैंक को पेमेंट नहीं करना है, सीधा इसमें जो सिस्टम दिखेगा आप पेमेंट करेंगे तो झा क्लासेस के अकाउंट में खुद आ जाएगा। अब रहा सवाल, इसके आगे फिर एक नया बात आज आपको जोड़ा जा रहा है कि हम लोग जो क्लास करेंगे, सपोज एक सिस्टम समझा रहा है आपको, नंबर सिस्टम, हम क्लास वन किए, टू किए, थ्री किए, फोर किए, ऐसा करते हुए टेन कर लिए और सभी में आपको ना दस क्वेश्चन ऐसा करके एक दिन में होता चला गया ऐसे करके। तो सपोज एक सिचुएशन कि हमारा 100 क्वेश्चन में ये लेसन लास्ट हो गया। अब इसमें एक फैसिलिटी आप लोगों को जोड़ा हुआ है कि ये जैसे लास्ट होगा ना तो सेम डे, जैसे आज 10 क्वेश्चन हम पढ़ा दिए तो सेम डे में आपको इसके अतिरिक्त जो है 5 क्वेश्चन ये पर डे आपको दिया रहेगा जो सेल्फ असेसमेंट के लिए होगा। 5 क्वेश्चन हम आपको उसमें पीडीएफ के रूप में दिए रहेंगे और वो 5 क्वेश्चन आप खुद बना करके देख लेंगे कि हमारे पढ़ाने के बावजूद आपका ये 5 क्वेश्चन में 5 बना या नहीं बना, ठीक है। अब जो नहीं बना उसको सर्किल करके आप रखे रहेंगे, उसके बाद जब ये चैप्टर पूरा लास्ट हो जाएगा तो ये 5 क्वेश्चन करके आपको सपोज 10 क्लास हुआ तो 50 क्वेश्चंस हो जाएगा, किसी में 8 ही क्लास होगा तो आपको हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, 6 क्वेश्चन दे देंगे तो 48 क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा। तो जोड़-जाड़ के जो है ना आपको 50 क्वेश्चन हम अतिरिक्त दे देंगे जिससे आप सेल्फ असेसमेंट भी करेंगे। और ये जैसे लास्ट होगा तो 11वां क्लास जो फिर पड़ गया इसके लिए इसमें इस 50 क्वेश्चन का हम फुल डिस्कशन करा देंगे, ठीक है। जहां भी दिक्कत हम पूरे 50 का डिस्कशन करा देंगे, जिसमें जिनको जहां दिक्कत है वो सारा दूर हो जाएगा, हम पूरे 50 करा देंगे आपको डिस्कशन, ठीक है। तो इसीलिए ये टेस्ट भी आपका साथ ही चलता चला जाएगा, पर डे चलेगा और उसका डिस्कशन हो जाएगा। तो ये टेस्ट पेपर आपको पीडीएफ के रूप में वहां मिल जाएगा। तो इस ऐप को हम लोग पूरा कैश करेंगे, इसी ऐप के थ्रू हम अपना कैरियर का निर्माण करेंगे, कैरियर को ब्राइट बनाएंगे। इसलिए जितना फैसिलिटीज हो पाएगा हमसे आपको हम दे रहे हैं। बहुत सारे छात्र ऐसा, ठीक है, हर पैसे का अपना इंपॉर्टेंस होता है लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि 5 रुपए का क्या महत्व है, नहीं, महत्व होता है, हर इंसान के लिए होता है, वो गरीब हो अमीर हो, महत्व है। इसीलिए ये एक सेंटेंस है कि इसका क्या महत्व, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब हम अपना कैरियर निर्माण करते हैं तो उसमें बहुत सारे छात्र, सर हम तो पे कर दिए थे, ये है वो है, दिस दैट, जो भी उनके मन में आता है, ठीक है। आप बच्चे हैं मेरे सामने और हमारे ही बच्चे हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, हम उनको समझाते भी हैं, तो ये ऐसा नहीं सोचेंगे, आप हमारे कैरेक्टर से भी परिचित हैं, हमारा क्या बिहेवियर है, क्या नेचर है, सब चीज़ है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे छात्रों को जो है पर ईयर, कम से कम हमारे अंदाज से ऐसा लग रहा है कि 500 छात्रों को लगभग पर ईयर में हम फ्री पढ़ाते हैं फाउंडेशन बैच में, जहां 8,000 रुपया फी है वहां 0 पैसा लेते हैं, वो बहुत सारे गरीब हैं, हैंडीकैप्ड हैं, इन सारे का। दूसरी बात, जो छात्र 8,000 फी में बोलते हैं कि नहीं हम 2,000-3,000 दे ही पाएंगे, मेरे फादर नहीं है या किसान है, इस बार खेती नहीं हुआ, बहुत सारा ऐसा, तो हमारे पास जब भी इस प्रकार से कोई रिक्वेस्ट करते हैं हम 10 मिनट उनसे बात जरूर करते हैं, है ना, लेकिन जब देखते हैं कि नहीं ये बिल्कुल इसी लेवल में हकीकत में ऐसा बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको हम 2,000 में भी पढ़ा देते हैं, 1,500 में भी पढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार का भी काम हम करते हैं, इसीलिए हमारे बिहेवियर नेचर से आप परिचित हैं। तो दैट मीन्स ये इसलिए बोला जा रहा है कि जब बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर 500 रुपया फिर देना पड़ेगा, ये है वह है, तो उसके बारे में बोले हैं कि ये हमारा कोई प्रेशर आप पर नहीं है। अब ये क्यों लिया जा रहा, तो एक तो है कि ये ऐप का खर्चा गया, दूसरी बात क्या है कि सिस्टम जो चलेगा तो 4,000-5,000 रुपये का पर मंथ हम लोग नेट भराते हैं तो उसका खर्च आता है, उसके बाद में और भी सारा सिस्टम का खर्च आता है, तो ये ऐप वाला जो है ना इसमें से पैसा आपको लेता है वो सारा सिस्टम जोड़ करके। तो ये 500 में आप सोचिए ना कि एक साल में पूरा 8,000 का कोर्स करेंगे जो पटना में आकर करते थे, इसको ऐसे सोचिए। तो 8,000 का कोर्स करते थे, 5,000-5,000 रुपया पर मंथ में खर्च करते थे, एक साल में 60,000 रुपया वो खर्च हो गया, 8,000 ये दे दिए, तो 68,000 का काम आप जो है ना इसी 500 रुपये में कर लेते हैं, आप तो घर पर बैठे हुए। इसीलिए ये 500 हम आपसे नहीं ले रहे हैं, ये सिस्टम का जो खर्च है वो है। और दूसरी बात, अभी भी हम आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। ये इसलिए किया गया है कि आप छात्र जो अभी लॉकडाउन का पीरियड फरवरी के बाद से जो स्टार्ट हुआ वो सारा चलते चलते अगला फरवरी तक आ जाएगा, तो ये एक साल पूरा जो आप बैठ जाएंगे उसमें 500 रुपया खर्च करके आप अगर क्लास करते रहेंगे तो जैसे ही आपका अगला साल आएगा, फिर उसमें सपोज अप्रैल में कोई एग्जामिनेशन हो जाए जिसका पुराना आप फॉर्म भरे हुए ऐसा, तो अगर अप्रैल में होगा तो आप बोले मार्च में जब फ्री होगा और अप्रैल में एग्जाम होगा तो एक महीने में तैयारी आपका नहीं हो पाएगा। हम ये सोच करके जो है ना आपको इससे लिंक किया, बोले हमारा तो मेहनत डबल पड़ रहा है,
हम क्यों आकर यहाँ पर पढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि आप जो है अभी से तैयार रहिए। और जो छात्र आराम से अभी रह रहे हैं ना कि चलो जब लॉकडाउन टूटेगा अगला साल 2021 मार्च अप्रैल में हम पढ़ाई शुरू करेंगे और अप्रैल में फिर एग्जामिनेशन आ जाएगा गवर्नमेंट जॉब का, तो वो छात्र पीछे चले जाएंगे और आप इसको कैश कर पाइएगा। इसलिए ये 500 रुपीज़ को दिमाग में नहीं रखना है। आप सभी छात्र सोचिए कि ठीक है, दूसरे भाषा में फिर समझा रहे हैं, बोले जब आप एक जियो का पैक लेते हैं तो 3 महीने का शायद आपको 399 समथिंग ऐसा जो भी लगता है, तो आप वो इजीली भरवा लेते हैं, उससे क्या फायदा हो जाता है ना। तो इसीलिए ये पूरे एक साल, बोले आप 400 रुपया 3 महीने में देते हैं तो 1600 रुपया देते हैं जियो कंपनी को, ठीक है, उससे क्या करते हैं आप टाइम पास करते हैं ज्यादा, ठीक है, पढ़ाई का भी काम उससे आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप करते भी हैं, लेकिन ज्यादा हम क्या करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक ऐसा। तो उसके लिए हम जो है साल भर में जो है ये 1600 रुपया हम इजिली दे सकते हैं, तो ये 500 रुपया देकर साल भर में हम अपना पढ़ाई करके कैरियर का निर्माण क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी नहीं सोचिएगा कि आपसे झाकला से जो है एक्स्ट्रा में 500 रुपया ऐसा लिया है, ठीक है। दूसरी बात, हम तो आपके साथ ऑलरेडी हैं, जिनको नहीं करना है कोई प्रेशर नहीं है हमारा, ये एक इन्फॉर्मेशन है, जिनको नहीं करना है नहीं करिए। जब आपका लॉकडाउन पूरी तरह से टूटेगा, क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, सारा सिचुएशन नॉर्मल होगा, दैट मीन्स आप इमेजिन करिए तो अगला साल फरवरी मार्च जो भी वहाँ से, तो तब वहाँ से आप पटना आइए, 5000 रुपया पर मंथ खर्च करिए, ठीक है, और उसके बाद जैसे पढ़ते थे पढ़ाइए, हम वहाँ तो पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं, हम आपसे पैसा लिए हुए हैं, तो वो पूरा बैच जो जिस जगह पर थे वहाँ से आगे जहाँ तक लास्ट होता है वो सभी छात्रों को कराया जाएगा। तो ये तो जब लॉकडाउन टूटेगा तब आप पटना आएंगे और हमारे क्लासरूम में आपका स्वागत है फिर से, लेकिन तब तक के लिए 500 रुपीज़ से हम अगर इतना काम कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, टेस्ट भी दे लेते हैं, अपना असेसमेंट भी कर लेते हैं, और जब अप्रैल मई में एग्जामिनेशन का कोई आ जाएगा डेट तो हम उसमें अव्वल नंबर पर नंबर भी लाएंगे, तो ये सारा बेनिफिट होगा जो इसी ऐप के जरिए होगा, ठीक है। इसलिए इस हिसाब से हम लोग करेंगे और कोई टेंशन नहीं रखना है, ठीक है, वो सारा चीज़ कल के क्लास में, जो कल का आपका क्लास चलेगा इसके लिए जो भी टाइम शेड्यूल दिया गया, फिर ऐसे आप ग्रुप में है मैसेज चला भी जाएगा तो उसके अनुसार जो है ना आपको कोड दे दिया जाएगा और वही कोड से जो है आप ये क्लास पूरा कर पाएंगे। अब इससे फायदा ये है कि हमारे वही छात्र क्लास करेंगे जो इस ऐप के जरिए जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए जो अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं 500 रुपये का मोह त्याग दीजिए, अपना कैरियर निर्माण करिए और उसके लिए जल्दी से जुड़िए, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सिस्टम नहीं। इसी ऐप में जैसे आप अमेजन वगैरह से, प्ले स्टोर से या कहीं से भी किसी ऐप के जरिए कोई चीज़ परचेज करते थे, आप सभी छात्र जो है परचेज जरूर किए हैं कुछ ना कुछ ऐसे, ठीक है, तो जो भी चीज़ परचेज किए थे तो जो सिचुएशन बनता था वही सिस्टम इसमें भी है आपका। बाय नाउ जहां पर आएगा तो बाय नाउ के बाद पेमेंट आप कर देंगे, जिससे भी करना आपके पास में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी होगा है ना, फोन पे गूगल पे है ना, उन सारे में से किसी से UPI जिससे भी करना चाहते हैं आप करेंगे, उसके बाद कोई मैसेज भी नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से कर लेंगे, पुराने छात्र के लिए ये ओल्ड स्टूडेंट लिखा हुआ है, नए छात्र जो लेना चाहेंगे उनके लिए ये है। एक और भी मैसेज दे देते हैं कि आप में से जिनको भी जरूरत पड़े ऐसा कि हम इंग्लिश मीडियम का बैच करना चाहेंगे, तो उसका भी कल एक इंट्रोडक्शन दिया गया था, तो इंग्लिश मीडियम का बैच का क्लास इसी थर्सडे को 8 बजे रात में होगा, वो 8 PM में दिया गया है, उसमें हम स्टूडेंट्स उसके बाद में प्राइवेट जॉब में जो थोड़ा बिलो लेवल पे काम कर रहे हैं उन सारे के लिए ऐसा किए हैं, तो 8 बजे रात में उसका आपको क्लास चलेगा जो कि इसी ऐप पर चलेगा। तो आपके सर्किल में जो CBSE के छात्र हों, SCSE के छात्र हों, इंग्लिश मीडियम बैच में लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी इसके बाद में एक रिपोर्ट आपको वहाँ दिख जाएगा, आज ही दिख जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले में भी कर सकते हैं, हमसे कोई बात भी नहीं करना, आप सिस्टम में सारा चीज दिया हुआ है उसके अनुसार प्रोसेस करते जाएंगे और बाय नॉ कर लेंगे तो आप जो है यहां पर एडमिटेड हो जाएंगे। और बिल्कुल जिस प्रकार बोला गया, लॉकडाउन टूट भी जाएगा जिस दिन, किसी भी छात्र को मायूस नहीं किया जाएगा, मीनिंग जो छात्र एडमिशन लिए और पटना उनको बिल्कुल नहीं आना है, सिर्फ ये सोच कर लिए हैं कि नहीं हम गांव में रहते हैं या जहां रहते हैं वहीं रहकर करेंगे, कोई इलाहाबाद से हैं, कोई आगरा से हैं, कोई सिलीगुड़ी से हैं, कोई दार्जिलिंग से हैं, तो कोई बागडोगरा से हैं, तो जहां से भी है ना, कोई बर्धमान से हैं, वो सारे छात्र कोई मुंबई से हैं, तो निश्चित रूप से वो छात्र जो है आराम से 1 साल तक पढ़ेंगे, वैलिडिटी 1 साल का दिया गया तो 1 साल तक ये कोर्स चलेगा, उसमें हम आपको बीच में डीलिंग नहीं करेंगे लॉकडाउन, चूंकि बहुत सारे के मन में आता है कि लॉकडाउन टूट जाएगा ऑफलाइन क्लास आ जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, तो चिंता नहीं करना है, आपका पूरा बैच फिनिश करा जाएगा इसी ऐप के जरिए, ये ऑलवेज चलता रहेगा, और इंग्लिश मीडियम का भी एक बैच हम ऑलवेज रखते रहेंगे। इसके अलावा हम आगे फिर बात करेंगे आपसे, इसमें नहीं बोल रहे हैं, तो फिर होगा छोटा छोटा कोर्स भी आपको डाल दिया जाएगा कि जिनको एडवांस मैथ्स ही करना है उनका भी कोर्स हम बहुत जल्दी ले आएंगे, बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पर होगा, मैंने आपको हम अनाउंस भी कर देते हैं समवॉट इसी प्रकार से, जैसे 200 रुपया 300 रुपये में पूरा एडवांस पढ़ लीजिए 400 रुपये में,
कुछ इस प्रकार का भी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो खैर वो सेकेंडरी, अभी उसके बारे में हम कंफर्म न्यूज़ आपको नहीं दिए, बस इस हिसाब से आप आ जाइए। तो अब कहीं भी कॉल नहीं करना, हाँ जहाँ दिक्कत होगा तो आप कॉल कर लीजिएगा, ऑफिस का नंबर है, लेकिन वो ऑफिस का नंबर रेगुलर नहीं खुलता है, इसलिए उस पर जल्दी रिसीव नहीं होगा। जब भी कभी करेंगे भी ना, तो 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक मोटा मोटी, इसी बीच में कभी भी ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है किसी दिन खुला रहे तो आपसे बात हो जाए, ठीक है। अदरवाइज जो नंबर आपको दिया गया था उसी पर बात करेंगे, और इसी ऐप में सारा सिस्टम है, उसके अनुसार आपको जो कोर्स करना है ना ये ऑप्ट कर लीजिएगा। एक बार और ये सुन लीजिए, जो हमारा क्लास चलेगा 10-12 क्वेश्चन एक दिन में होता है, किसी में 15 क्वेश्चन भी हो जाता है, उसके अलावा 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हम टेस्ट के रूप में दे देंगे, जो सेम डे आप टेस्ट दे देंगे उसी दिन दे देना, ठीक है। जो पढ़ा जाएगा उसके आधार पर क्वेश्चन होगा, और उसके बाद में आप टेस्ट देने के बाद में इन सारे का कलेक्शन होगा। जिस दिन ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा, हम उन सारे टेस्ट का जितना क्वेश्चन जमा होगा, जब 50 क्वेश्चन आ गया, 40 क्वेश्चन आ गया, ऐसा चैप्टर लास्ट हो गया, उसका एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन आपको कर देंगे, तो वो भी समाधान हो जाएगा। तो बोले पढ़ाई भी हो जाएगा क्लास का, उसके बाद में टेस्ट भी हो जाएगा, जाँच भी हो जाएगा, उसका डिस्कशन भी हो जाएगा। तो इससे ज्यादा 500 रुपये में एक साल के लिए क्या खोजते हैं? 500 रुपये को 365 से भाग लगाइए, तो आप सभी छात्रों को मालूम होगा एक साल में 365 दिन होता है, लीप ईयर अगर होता है तो 366 दिन होता है। 500 को 365 से भाग लगाकर देख लीजिए तो उसमें क्या रिजल्ट आता है, आपको खुद लगेगा कि ये तो हम मैंने बहुत कम पे कर रहे हैं, ठीक है। खैर चलिए उससे मतलब नहीं है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको अमल करिए, इसके अनुसार आप अपना एडमिशन खुद ले लीजिए, सारे छात्र ले लीजिए, आपको फायदा होगा, ठीक है। ये घाटे का सौदा नहीं है, फायदा ही होगा। और जब आपका ऑफलाइन क्लास चलेगा, वेलकम है, आप पटना में आएंगे और फिर ऑफलाइन हम लोग चलाएंगे, और ऑनलाइन पैरेलल में चलता रहेगा। तो ये कोरोना के कारण जो लॉकडाउन बढ़ा उसमें हमारे पास एक बेनिफिट आया कि हम इस ऑनलाइन को और इलेबोरेटली पूरे ऑल इंडिया तक फैलाने का प्रयास किए। तो इसमें क्या है, ऑल इंडिया के छात्र जो है इंग्लिश वर्सन में भी पढ़ेंगे और हिंदी वर्सन में पढ़ेंगे, और बाकी ऑफलाइन जो चलता था वो तो चलेगा ही, ठीक है। थैंक यू।